अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, किचन विद रवि में आपको वेलकम कहते हैं। आई होप कि आप हमेशा की तरह फिट एंड फाइन होंगे। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए फिंगर फ्राई बैंगन की रेसिपी। इन्हें आप बैंगन के पकौड़े भी कह सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आज हम बैंगन फ्राई करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। तो हम चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम बेसन का पेस्ट तैयार करते हैं। एक बाउल में डालते हैं 1 कप बेसन, 1/4 कप मैदा, नमक 1 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, खुश धनिया 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, अजवाइन 1/2 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, हरा धनिया ऐड करेंगे खुश किया हुआ 1 टेबलस्पून। अगर आपके पास फ्रेश धनिया है तो आप वो भी डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पेस्ट बना लेते हैं। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इस पेस्ट को साइड पे करते हैं। ये तैयार हो चुका है और बैंगन की कटिंग करते हैं। मीडियम साइज़ के 2 हमने बैंगन लिए हैं, तो पहले हम इन्हें 2 पीस में कट करते हैं। अब 1 पीस ले लेते हैं और इस तरह से हम इसे फिंगर कट में काट लेते हैं। अगर आप इनका छिलका उतारना चाहते हैं तो छिलका उतार के भी बना सकते हैं। बैंगन को हमने कट कर लिया है, तो अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। इन्हें फ्राई करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं मस्टर्ड ऑयल। तो ऑयल गर्म हो चुका है। अब बैंगन को बेसन के पेस्ट में इस तरह से डिप करते हैं कि तमाम कट में अच्छी तरह से लग जाए, और इसे हम गर्मा गर्म ऑयल में डालते हैं। फ्राई करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बैंगन के जो तमाम कट्स हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हों, हर कट अलग अलग हो जाए। फ्लेम यहाँ पे मैंने हाई रखी है। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बैंगन अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो माशाल्लाह फिंगर फ्राई बैंगन तैयार हैं। आप देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। इन्हें केचप या फिर दही पुदीने की चटनी के साथ खाएं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।